लोकसभा के उपचुनाव में दाखिल 17 नामांकन पत्रों में से 7 पर्चे हुए खारिज, 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा 14 मार्च को। मतदाता जागरूकता महाअभियान के तहत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, जिलाधिकारी राजीव रौतेला ने छात्र छात्राओं का किया उत्साहवर्धन। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचल लोक अदालत वैन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 3 दिनों तक जिले में विभिन्न स्थानों पर करेगी मुकदमों का निस्तारण। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आपत्तिजनक टिप्पणी करने के विरोध में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया कड़ा विरोध। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारतीय कला एवं शिल्प विषय पर आयोजित हुई 2 दिवसीय स्मृति व्याख्यान का हुआ समापन। उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में 23 और 24 फरवरी को राप्ती नगर विस्तार के आवंटियों को कब्जा देगा GDA। रेलवे प्रिंटिंग प्रेस को बंद न किए जाने की मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन के सदस्यों ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा साजिश को कामयाब नहीं होने देगा यूनियन। डॉक्टर माधवी खोड़े चावड़े को नियुक्त किया गया प्रेक्षक। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनने पर पार्टी में खुशी की लहर, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाइयां। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग का वार्षिक समारोह हुआ संपन्न, छात्र छात्राओं ने कव्वाली और शेरो शायरी से बांधा समा। गायत्री परिवार निकालेगा कलश यात्रा, 27 फरवरी को होगा गायत्री महायज्ञ। उत्तर प्रदेश पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप में बस्ती ने कुशीनगर को 5-0 से रौदा। और खेल छात्रावास के लिए जिला स्तरीय ट्रायल रहा जारी।